लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले कोरबा जिले के पाली तानाखार विधानसभा के दिग्गज कांग्रेस नेताओं के साथ लगभग 1200 से अधिक की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर लिया। इसमें प्रमुख रूप से कांग्रेस के पाली नगर पंचायत अध्यक्ष, पाली के कद्दावर, कांग्रेस के जिला महामंत्री शैलेश सिंह ठाकुर समेत सैकड़ों लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली। कोरबा लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे व उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल दिवांगन और बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक ने सभी को भगवा गमछा पहनाकर भाजपा में स्वागत करवाया। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया, हमारे मुख्यमंत्री के कामों पर विश्वास व्यक्त किया, भारतीय जनता पार्टी पर अपनी आस्था को प्रकट किया और करीब 1200 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने और जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं पाली ब्लॉक के, तो उन्होंने सब प्रवेश किया है और हम सब उनका भारतीय जनता पार्टी में बहुत स्वागत करते हैं। हमारा परिवार बड़ा हुआ और हम सब मिलकर इस क्षेत्र के विकास के लिए एक नई शुरुआत करेंगे।